एक ऐसी फैसिलिटी जिधर स्पेशलिस्ट स्टाफ चाहिए। ये जितने आप देख रहे हैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स, इनके लिए स्पेशलिस्ट स्टाफ चाहिए होता है। तो ये सिर्फ यही नहीं कि बेड्स हैं, इनके साथ स्टाफ भी आता है। तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि हम इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी, अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर डिटर्मिनेशन हो, तो ये हम कर सकते हैं। आज मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की हमारी ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ, हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। और उसके बाद फिर जो भी हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया, आज अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। हम भी नहीं उम्मीद लगा रहे थे कि इतनी जल्दी इन्फेक्शंस नीचे जाएंगी। हम समझते थे कि ये जुलाई के आखिर तक पीक करेगी। क्योंकि ये अल्लाह ने करम किया है और हमारी हमारी NCOC, हमारी जो कमांड सेंटर था, उसने बकायदा जो इंस्ट्रक्शंस दी, सूबों ने कोऑपरेट किया, सब ने मिल के आज एक ऐसा पाकिस्तान में वक्त आ गया कि हम उन मुल्कों में से हैं जिधर इन्फेक्शंस नीचे जा रही हैं। और अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क में बाकी दुनिया के बनिस्बत बहुत कम अमवात हुई हैं। लेकिन मैं ख़ास आपको आज सबको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की, तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। हमने पूरे SOPs बनाए हुए हैं कुर्बानी की ईद पे, कैसे कुर्बानी करनी है। मैं अपनी सारी कौम से अपील करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी माशियत के लिए, हमारे जो बूढ़े और जो हमारे बीमार लोग हैं, जिनको ख़ास तौर पे जिनकी जानें ख़तरे में आती हैं जबकि उनको ये कोरोना हो जाए, उनके लिए मैं उनके लिए सबसे अपील करता हूँ कि सादगी से आपने ये कुर्बानी की ईद बनानी है। ये बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ने करम किया है। अगर हम अब एहतियात कर लें तो इंशाअल्लाह बाकी दुनिया के मुकाबले में हम बहुत बेहतर निकलाएंगे इस बड़े मुश्किल वक्त से। शुक्रिया।